नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के दुमका से। संथाल वासियों की मांग हुई पूरी, सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में एचसी खंडपीठ के गठन की दी स्वीकृति। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दुमका हाईकोर्ट खंडपीठ के गठन का निर्णय लिया गया है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि दुमका जिला में झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना को लेकर तत्कालीन मुख्य सचिव ने भूमि चिन्हित करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया था। इसके अलावा खंडपीठ के क्षेत्राधिकार निर्धारण को लेकर विधि विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट और केंद्र विधि और न्याय मंत्रालय को पत्र भी भेजा गया था, जिसके चलते सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दुमका हाईकोर्ट के खंडपीठ के गठन का निर्णय लिया गया। अमृत सिद्ध योग में करें मां सरस्वती की पूजा, जाने पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पंडित अजीत मिश्रा बताते हैं कि इस बसंत पंचमी पर दो खास योग बन रहे हैं, इससे पंचमी का महत्व कई गुना बढ़ गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन रवि योग और स्वार्थ अमृत सिद्ध योग बन रहा है। पंचमी को रवि योग पूरे दिन रहेगा, वहीं स्वार्थ अमृत सिद्ध योग रांची के समय के अनुसार रात 8:18 से लेकर सुबह 4:44 तक है। यह शुभ और अति दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसे लोग जिनकी पढ़ाई में बाधा है, जिनका बुद्धि या कला विकसित नहीं है, इस काल में माँ को प्रसन्न करने के लिए बीज मंत्र ओम एम नमः का जाप कर सकते हैं। खबर है झारखंड के चाईबासा से। फर्जी कागजात के सहारे उड़ीसा से झारखंड में की जा रही लो एस की तस्करी, 3 ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक भी जब्त कर लिया गया है। उड़ीसा से खनन विभाग का फर्जी चालान सहित अन्य कागजात बनाकर झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लौह अयस्क की अवैध तस्करी की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने रविवार की रात राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर छिक पानी के पास चेकिंग अभियान चलाकर फर्जी कागजात बनाकर लौह अयस्क ला रहे 3 ट्रकों को पकड़ा है। तीनों ट्रकों के चालक को गिरफ्तार करते हुए अवैध लौह अयस्क लदे ट्रकों को भी जब्त कर लिया गया है। चाय जाति को झारखंड में अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। 15 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाय यानी कि केवट मलाह निषाद जाति को झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार से की जाने वाली अनुशंसा से संबंधित प्रस्ताव को सोमवार को अपनी स्वीकृति दे दी। इसे अब मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान से चाय जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के संबंध में सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति की जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा गया था। विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत जो प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपा था, उसमें चाय जाति को झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी। इसी के आधार पर बनाकर मुख्यमंत्री ने चाय को राज्य के अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। झारखंड में पत्थलगड़ी से जुड़े मुकदमे वापस लिए जाएंगे, सीएम हेमंत सोरेन जल्द देंगे स्वीकृति। झारखंड में पत्थलगड़ी से संबंधित मामलों की वापसी प्रक्रिया शीघ्र ही पूरे होने वाली है। ऐसे मामलों की संख्या 30 के करीब है, जो 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक के लिए दर्ज हैं। सरकार के आदेश पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति के मंतव्य के बाद गृह विभाग ने विधि विभाग से मंतव्य मांगा था। विधि विभाग से कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में चली गई है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के साथ ही फाइल मंत्री परिषद के लिए चली जाएगी। यह प्रक्रिया शीघ्र पूरी होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में सरस्वती पूजा के दिन छाए रहेंगे बादल, 17 से 19 फरवरी तक बारिश होने के आसार। रांची का मौसम लगभग पूरी तरह सामान्य हो गया है। सोमवार सुबह से जहां तेज धूप खिली, वहीं पिछले 24 घंटे में रांची का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से अधिक है। मौसम विज्ञान रांची के पूर्व अनुमान के मुताबिक रांची समेत राज्य भर में 16 फरवरी से मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 3 दिनों तक रांची, बोकारो, गुमलाव, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही इन इलाकों में हल्की बारिश के साथ पूर्वी सिंहभूम के इलाके में वज्रपात की भी संभावना है। 20 फरवरी से साफ हो जाएगा मौसम। आज जहां रांची में बादल छाए रहेंगे, वहीं 17 से 19 के बीच रांची में हल्के दर्ज की बारिश होने की संभावना है। झारखंड में एससी एसटी पिछड़ों को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार देगी 40% अनुदान पर लोन।
राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को ऋण सह अनुदान दिया जाएगा। कर्ज और अनुदान की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए होगी। उन्हें सस्ती दर पर कर्ज और कर्ज में 40% अनुदान भी दिया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य योजना मद की राशि से कर्ज और अनुदान दिया जाएगा। झारखंड के लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों के लिए खुशखबरी, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार देगी अनुकंपा पर नौकरी। लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। इस संबंध में क्रमिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है। क्रमिक विभाग की ओर से सारे विभागों के साथ ही सारे आयुक्तों, उपायुक्तों, विभाग अध्यक्ष सहित अन्य अफसरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इनमें उल्लेख किया गया है कि अब लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को प्रावधान के तहत अनुकंपा पर नौकरी उपलब्ध कराई जा सकेगी। पिछली बार कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। इसके बाद विभाग ने आदेश भी जारी किया है। झारखंड में मॉडल स्कूल के शिक्षकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मानदेय देने की तैयारी में है सरकार। राज्य के मॉडल स्कूल के शिक्षकों का अब मानदेय तय होगा। शिक्षक को अब घंटी के आधार पर नहीं बल्कि तय मानदेय देने की तैयारी की जा रही है। मानदेय कम होने व समय पर नहीं मिलने के कारण आधे से अधिक शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। इन तथ्यों को देखते हुए शिक्षकों को अब प्रति माह 18,000 रुपये मानदेय देने की तैयारी की जा रही है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मॉडल स्कूल का संचालन अब पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, अतः मानदेय का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजा जाए। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग जल्द विचार करेगा। शिक्षकों को प्रति घंटे 120 रुपये मिलता था, अब इसे प्रति माह 18,000 रुपये का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। राज्य में आप सबको बता देना चाहता हूँ कि 89 मॉडल स्कूल हैं। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के लिए सोमवार से भरे जा रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए सोमवार से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च तक है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 16 मार्च तक होगी। संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा एक साथ 4 वर्षों का वर्ष 2017, वर्ष 2018, वर्ष 2019 तथा वर्ष 2020 तक के लिए होनी है। झारखंड के डीजीपी पद से हटाए गए आईपीएस एमवी राव ने छोड़ी नौकरी, गांव जाकर करेंगे अब खेती बाड़ी। झारखंड के डीजीपी रहे एमवी राव ने आईपीएस की चकाचौंध वाली नौकरी छोड़ वीआरएस लेने का फैसला लिया है। उन्होंने नौकरी छोड़कर खेती बाड़ी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने फैसला किया है कि वह अपने पुश्तैनी घर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जाकर खेती करेंगे। तेज तरार आईपीएस अधिकारी रहे एमवी राव राज्य के प्रभारी डीजीपी थे। 11 महीने से वे इस राज्य के पुलिस मुखिया रहे। 11 फरवरी की देर शाम अचानक उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया गया और नीरज सिन्हा को राज्य का नया डीजीपी बना दिया गया। राज्य सरकार के इस फैसले से आहत एमवी राव ने अचानक नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया। हालांकि उनकी 6 महीने की नौकरी ही बची थी। वह एकीकृत बिहार के जहानाबाद में एएसपी से लेकर झारखंड के डीजीपी तक रहे। झारखंड में रांची और धनबाद में हवा को सुधारने के लिए खर्च करेंगे 318 करोड़ रुपये। नगर विकास विभाग ने बनाई है योजना। झारखंड के रांची और धनबाद शहरों में आसपास की हवा शुद्ध करने पर 318 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नगर विकास विभाग ने इसकी योजना बनाई है। इसके लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए यह राशि मिलेगी। नगर विकास विभाग की ओर से यह राशि आबादी वाले इलाकों में परिवेश की हवा की गुणवत्ता पर खर्च करेंगे। नगर विकास विभाग रांची और धनबाद के क्लाइमेट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर पहल करेगा। भारत सरकार की ओर से भी शहरों को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, ग्रीन इंडिया मिशन और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अमृत और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। इनमें शहरों से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए चरणबद्ध लक्ष्य तय किए जाएंगे। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में 22 को सुनवाई। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। यह मामला जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। इस मामले में अब 22 फरवरी को सुनवाई होगी। इस दौरान यूजीसी ने कहा कि उनके रेगुलेशन में ऑफ कैंपस खोलने को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं था, लेकिन इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।
एनएमसी की अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने कोर्ट को बताया कि ऑफ कैंपस खोलने की शर्तों को पूरा नहीं करने की वजह से मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में नामांकन पर रोक लगाई गई थी। इस मामले में सभी पक्षों की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया है। रांची में दवा दुकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवा बरामद, एक हिरासत में। रांची में सोमवार को एक दवा दुकान से भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की गई है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस और ड्रग कंट्रोल की टीम ने जोड़ा तालाब बरियातु स्थित साक्षी मेडिकल दुकान में छापेमारी की। यहां भारी मात्रा में नशीली व प्रतिबंधित दवा बरामद हुई। कफ सिरप सहित कई नशीले टेबलेट को जब्त किया है। मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। बरियातु थाने की पुलिस ने उससे पूछताछ के बाद ड्रग कंट्रोल की टीम को सौंप दिया है। इस मामले में बरियातु थाना प्रभारी ने कहा कि ड्रग कंट्रोल में ही मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा बोले, भाजपा बताइए गैस सिलेंडर का दाम 175 रुपये कैसे बढ़ा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें यह बताना चाहिए कि देश में गैस सिलेंडर की कीमत 175 रुपये तक कैसे बढ़ गई, महज ढाई महीने में इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई। सोमवार को प्रति सिलेंडर 50 रुपये कीमत बढ़ने के मद्देनजर सिन्हा ने ये सवाल उठाए हैं। ज्ञात हो कि सोमवार को ही भाजपा नेताओं ने बजट पर परिचर्चा के माध्यम से कई खास जानकारियां लोगों से साझा की। झारखंड के सीमेंट की परीक्षा स्थगित, पेटेंट में होगा बदलाव। अब 25 फरवरी तक करें आवेदन, मार्च के अंतिम या अप्रैल के पहले सप्ताह में परीक्षा संभावित। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट सीमेंट 2021 की परीक्षा स्थगित हो गई है। परीक्षा 22 या 27 फरवरी को होनी थी, पर अब आवेदन की तिथि ही बढ़ा दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि AICTE ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। प्रवेश परीक्षा में एक एडिशनल सेक्शन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ा गया है, जिसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब परीक्षा नए पैटर्न पर होगी। इसके लिए छात्रों को अतिरिक्त 30 मिनट मिलेंगे। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही NTA की वेबसाइट पर जारी होगी। खबर है झारखंड के गोड्डा से। पूरा होने वाला है गोड्डा का दिल्ली वाला सपना। आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा। आजादी के बाद से संथाल परगना में गोड्डा जिला मुख्यालय रेल के मामले में उपेक्षित और पिछड़ा रहा है। इस क्षेत्र में जिस तरह से रेलवे स्टेशन का निर्माण और नए रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, उससे यहाँ के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। आने वाले समय में गोड्डा रेल विकास के मामले में आगे रहेगा। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से गोड्डा तक चलाने वाले हमसफर एक्सप्रेस से होने वाली है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो गोड्डा वासियों के लिए सपनों की हमसफर ट्रेन का परिचालन फरवरी के अंत या मार्च के महीने के पहले सप्ताह से ही शुरू हो जाएगा। झारखंड में इस बार खास होगा हेमंत सरकार का बजट। हवा हवाई योजनाओं से रहेगी दूरी, वास्तविक बजटिंग पर दिया जाएगा जोर। झारखंड सरकार वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में हवा हवाई योजनाओं से दूरी बनाते हुए बजट को वास्तविकता के करीब रखेगी। सरकार की मंशा ट्रांसपेरेंट आउटकम पेश करने की है, जिसे लेकर सभी विभागों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। आमतौर पर हर वित्तीय वर्ष पेश किए जाने वाले बजट और योजनावार किए गए बजटीय प्रावधान से हटकर बजट को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।